हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेगला 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, जो कि 6 क्रेडिट कोड का क्वेश्चन पेपर है। उसके बारे में कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स का 2 or 3 सीरीज़ आएगा, ठीक है, दो सीरीज़ आएगा, और उसके बाद हम लोग एक पेपर एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। तो अब ये इसके बारे में आप देखिए, ये बुक से ही एक पैसेज लिया गया है जस्ट एक सैम्पल देने के लिए, क्योंकि सैम्पल पेपर का काम ही होता है आपको एक चीज़ का पेपर का आइडिया देने का। तो ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन बिलो क्वेश्चंस। तो ये आपका क्वेश्चन, जैसे आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को समझ के इसको आपको आंसर करना है। ये पैसेज में ही आपका आंसर दिया रहेगा, आइदर वो पोएट्री हो सकता है या पैसेज हो सकता है। तो क्योंकि ये लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है, तो चांसेस है कि पोएट्री का कोई पैसेज दे, जैसे डिसम्बर टर्मेंट में दिया था। ये आप देखिए, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट होगा मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पर ऊपर में आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया था, कॉन्टेक्स्ट को आंसर करना था, ठीक है, अनसीन पैसेज का। यहाँ पर ज़्यादातर अनसीन ही पैसेज रहेगा, कुछ कुछ चीज़ छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बोला गया है कि गिव होमोफोन्स फॉर होल एंड फेयर, तो होल का जैसे है होमोफोन्स, होमोफोन्स का मतलब सेम साउंड, तो WHOLE, ठीक है, और HOLE, ठीक है, तो ये होल हुआ। फिर FARE और FAIR, तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में बताइएगा कि होमोफोन्स का और क्या क्या एग्जांपल्स आपको पता है, ताकि मेरे को भी पता होगा कि आपका क्या है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको ये आंसर करना बहुत ज़रूरी है और बहुत कॉमन है ये क्वेश्चन, ये फर्स्ट ईयर से ही आप देखे होंगे। फिर यहाँ पर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपका यहीं से आपको देना है, ठीक है, यहाँ पर आंसर्स भी है, तो आप ये चीज़ को देखिए। होमोफोन्स आर ऑफन यूज टू क्रिएट पंस एंड टू डिसीव द रीडर एज इन क्रॉसवर्ड पजल्स और टू सजेस्ट मल्टीपल मीनिंग्स डिस्कस। तो ऐसे करके कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को घुमा के दे सकता है, ठीक है। तो न्यू जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू लर्नर्स हैव डिफ़िकल्टीज इन knowing the language, especially when they learn homonyms, ठीक है। तो ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, आप ये क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। और यहाँ पर जो ग्रामर पोर्शन है वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वो पास्ट प्रेजेंट या उसको वैसे करके ही सॉल्व करना होता है, पास्ट प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट में या प्रेपोजिशंस देख के, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने सैम्पल पेपर का कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, यहाँ पर कुछ मैं आज वीडियोज़ लाया हूँ, और भी वीडियोस रहेगा जैसे मैंने बताया। यहाँ पर अब एक पोएम के ऊपर में है, बेबी रनिंग बेयर फुट बाई DH लॉरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द पिक्चर दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द पोएम। अब यहाँ पर क्या है कि एक बेबी अ रनिंग ऑन द ग्रास एंड द मूवमेंट्स ऑफ इट्स फीट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको जस्ट उसको रीड करके समझना है, ठीक है। और जैसे बोल सकते हैं हु आर द स्पीकर्स, अब कौन स्पीकर्स है उसको एनालाइज करके आपको करना है, क्योंकि ये क्रिएटिव पेपर टाइप का है, ठीक है। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर मतलब ज़्यादातर पोएट कैसे करके लैंग्वेज यूज़ किया जाता है लिटरेचर में, स्पेशली पोएट्री हुआ या प्रोज हुआ, तो कोई भी वर्क का, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ द सिमिलीज यूज्ड बाय द पोएट। अब सिमिलीज क्या है, सिमिली का मतलब है एज और लाइक, तो जहाँ पर भी एज और लाइक रहेगा तो वो सिमिली कहलाएगा। और मेटाफर क्या रहेगा, जिसमें एज और लाइक नहीं रहेगा और उसका डायरेक्ट कंपैरिजन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस है, ठीक है, यहाँ पर जितना भी एज और लाइक है वहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। हाउ डू द सिमिलीज मेक द डिस्क्रिप्शंस मोर विविड फॉर अस, इसके बारे में दिया गया है। गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ पॉपुलर स्टोरी विद सम वर्ड्स मिसिंग, रीड इट थ्रू एंड ट्राई टू गेट द जिस्ट ऑफ इट, आंसर द क्वेश्चंस गिवन आफ्टर दैट, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 2 का। तो यहाँ पर ये एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है क्वेश्चन, और यहाँ पर फिल इन कर रहा है, जैसे माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस नटल सेड अ सेल्फ पोस्ट यंग लेडी ऑफ 15, इन द मीन टाइम यू मस्ट पुट अप विथ, देखिए जैसे यू मस्ट पुट अप विथ मी, ठीक है, यहाँ पर ये आंसर ऐसे करके करना है। तो ये पर्सनल रेफरेंस के बारे में बताया गया, मतलब फर्स्ट पर्सन के बारे में ये बताया गया है, तो ऐसे करके आपको फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप देखिएगा, जैसे द स्टाइल इन राइटिंग कैन बी डिफाइंड एज द वे अ राइटर राइट्स,
तो क्या है राइटर, कैसे करके आप कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल है, जैसे एक्सपोजिटरी हुआ, आर्गुमेंटेटिव स्टाइल हुआ, वो यूनिक है, डिफरेंट टू एजेस हो सकता है, एक पर्टिकुलर चीज़ को समझाने के लिए हो सकता है। बहुत ही इजी पेपर है, बस आप लोग को थोड़ा दिमाग ठंडा करके उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट क्रिएटिव एस्पेक्ट है। आप ये चीज़ को देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है द प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। एग्जाम्पल जैसे शॉर्ट एग्जाम्पल्स दिया गया है यहाँ पर, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। फिर डिस्क्रिप्टिव पर्सुएसिव, ये क्या है, ये चीज़ को समझाया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हेल्प द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग टू पुट अक्रॉस द अनसर्टेन ओपिनियंस एंड डिजायर्स मोर टेंटेटिवली देन ही हैज़ पुट देम डाउन इन द गिवन सेंटेंसेस, ठीक है। तो आई थिंक द लेटर विल अराइव नेक्स्ट वीक, तो आई शुड थिंक द लेटर विल अराइव नेक्स्ट वीक, आई थिंक शी इज़ रॉन्ग, आई शुड थिंक शी इज़ रॉन्ग, तो ऐसे करके ये चीज़ दिया गया है। तो ग्रामर के बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग पेपर के का एनालिसिस करेंगे, मैं जस्ट एक सैम्पल दे रहा हूँ आप लोग को ताकि आप ये चीज़ समझ पाए। फिर से ये सिंपति के ऊपर में एक पोएम दिया गया है, ज़्यादातर पोएम का ही ज़्यादा चांसेस है, या प्रोज भी आ सकता है, तो डोंट गेट शॉक्ड अगर प्रोज आए, बट पोएट्री का चांसेस ज़्यादा है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ही पोएट्री से आपको एनालाइज करने बोलेगा और ये चीज़ को समझाने बोलेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू, तो बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट टाइप का। Which of the word in the poem means giving money to a person who is in need, तो ये charity बोलता है। Sympathy मतलब क्या है कि जैसे आपका कोई आपको help in hand कर रहे हैं, या kindness है, distress है, charity एक particular चीज़ को, इंसान को पैसा देने का है। Fill in the blanks in the following sentences with words from the box below, तो जैसे I dashed close to her, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा I nestled close to her, ऐसे करके यहाँ पर example दिया गया है। बहुत easy questions है, नाउन वर्ब, ठीक है, राइम और रिदम क्या है, आर टू ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन राइटिंग एंड रीडिंग पोएट्री। राइम और रिदम क्या है, रिदम एक चीज़ को, जैसे स्ट्रेस टाइम रिदम हुआ या वर्ड रिदम हुआ, ठीक है। राइम क्या है, रिदम क्या है कि अगर आप रिदम और राइम देखिएगा तो रिदम और राइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे रिदम एक पोएट्री को ना एक बीट के टाइप में होता है, राइट, उसको एक जैसे अनस्ट्रेस्ड करके होता है, ठीक है। तो एक पोएट्री का ना एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जैक एंड जिल वेंट अप द हिल एंड जैक फेल डाउन, एंड उसका एक बीट टाइप का रहता है, वो एक रोबोट के तरह नहीं बोलते। इवन बोला जाता है कि प्रोज में भी एक आपका रिदम है, कैसे करके, क्योंकि वो रिदम इसीलिए है क्योंकि हम लोग रोबोट की तरह नहीं पढ़ते, उसमें पंक्चुएशन है, उसमें फुल स्टॉप है। तो राइम क्या है, राइम आपका होता है वो आपका लास्ट एंडिंग लाइन का जो है राइम, वो सब चीज़ है, ठीक है। राइम जैसे आपका हिल और टिल, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स हुआ वो। फिर नेक्स्ट वर्ड आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो यही था आपका वीडियो। आप इसको पॉज करके भी देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, और हम लोग और भी सैम्पल पेपर लेके आएंगे। आशा करते हैं आप लोग ये चीज़ समझ पाए कि कैसे करके आपको आंसर करना है, कैसे करके ये सब चीज़ है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए एक एनालिसिस भी आएगा बेगला 137 का बहुत जल्द। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। वीडियो का सैम्पल 2 भी आएगा, मैं बहुत जल्द उसको सेंड कर दूँगा यूट्यूब में, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।